जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को कंफ्यूज देखा है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, प्रॉपर्टी बुक करने के बाद या फिर प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन करने के बाद। उनको प्रोसीजर क्या होता है प्रॉपर्टी बुक करने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, या फिर पेमेंट शेड्यूल या फिर पजेशन, ये सब चीज़ों का उनको कन्फ्यूजन होता है, जिसके कारण वो डील करने के टाइम पर सिक्योर फील नहीं करते हैं। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि घर खरीदी वक्त या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदी करने के वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि प्रॉपर्टी का लोकेशन कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे प्रॉपर्टी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, ये देखना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दी है, उस पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने का प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है। तो मान लीजिए कहीं पर आपने कोई प्रॉपर्टी बुक कर ली या फिर फाइनल कर ली, तो वो फाइनल करने का जो आपका फर्स्ट मीटिंग होगा उसमें आपको एक टोकन का चेक देना होता है। ध्यान रखिए, टोकन का चेक नॉमिनल होना चाहिए, 50,000 1,00,000 के आसपास का चेक होना चाहिए जो आप बतौर टोकन के बेस पे दोगे। जब आप ये टोकन का चेक देने वाले रहोगे उस टाइम पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कंस्ट्रक्शन, वो प्रोजेक्ट या फिर वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जिस कंपनी के नाम से कंस्ट्रक्ट हो रही है उस कंपनी के नाम से ही आपका चेक जाना चाहिए। अगर कोई कंपनी में चार पार्टनर है तो वो चारों पार्टनर के नाम पे चेक नहीं जाएगा, चेक सिर्फ कंपनी के नाम पर ही जाना चाहिए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब जब भी प्रॉपर्टी बुक करोगे तो जो आपका टोकन का चेक होगा या फिर इसके बाद का भी जो आगे का पेमेंट होगा वो कंपनी के नाम से ही चेक आपका जाएगा। जब आप चेक देने वाले रहोगे तभी बिल्डर के पास आपको ये कंडीशन रखनी है, अगर आपने लोन सेंक्शन लेटर लिया नहीं है तो। बैंक से आपको लोन सेंक्शन लेटर लेना होता है अगर आपको होम लोन करवाना है या फिर प्रॉपर्टी पर लोन करवाना है। अगर आपने वो लेटर नहीं लिया है तो बिल्डर के पास आपको ये कंडीशन रखनी है कि ये मेरा टोकन का चेक है, मैं लोन सेंक्शन लेटर मिलने के बाद ही आपको आगे का पेमेंट रिलीज करने वाला हूँ। जब ये लेटर के आप बात करोगे उसी टाइम पे आपको ये भी बात करनी है, चेक क्लियर होने के बाद मुझे प्रोजेक्ट के भी फाइल दे दीजिए। आपको वो फाइल लीगल एडवाइस के लिए भेजनी, अगर आपको लीगल एडवाइस के लिए भेजने का नेसेसरी नहीं लगता है या फिर इम्पोर्टेंट नहीं लगता है तो आप जिस बैंक से लोन करने वाले रहोगे उस बैंक में वो फाइल सबमिट करनी है और बैंक से वर्बल कमिटमेंट लेना है कि इस प्रॉपर्टी पर वो आपको लोन प्रोवाइड करने वाले रहेंगे। ध्यान से सुनिए, एक तो आपको लोन सेंक्शन लेटर लेना है और जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी फाइल उधर सबमिट करके, बैंक में सबमिट करके आपको ये कंफर्म करना है कि उस प्रॉपर्टी पर भी आपको लोन मिल सकता है। तो ये दो चीज़ों का आपको फर्स्ट टाइम जब आप टोकन का चेक देने वाला रहोगे उस टाइम पर ध्यान रखना। अब मान लीजिए ये सारी बातें अपने बिल्डर के साथ क्लियर कर ली है, आपको जिस बैंक पे लोन करवाना था उनसे आपने सेंक्शन लेटर भी ले लिया है और उनको आपने बिल्डर के प्रोजेक्ट की फाइल भी दिखा दी है और बैंक ने आपको हाँ भी भर दी है। ये जो रिमेनिंग पेमेंट है आपने बिल्डर को देना होता है। अब जब ये पेमेंट बिल्डर को देने वाले रहोगे उसी वक्त आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का भी पैसा भरना होता है। अगर आप खुद स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा भरना जानते हो, ऑनलाइन जाकर आप भर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिल्डर का ही एडवोकेट जो आपका रजिस्ट्रेशन करने वाला होता है वो खुद भर देता है। वो पैसे आपको उसके अकाउंट पर ट्रांसफ़र करने होते हैं और वो आपकी तरफ से वो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भर देता है। फिर उसका एक नॉर्मल सा सर्टिफिकेट लेना होता है, वो सर्टिफिकेट भी वो निकाल लेते हैं, जो सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो एग्रीमेंट के साथ जोड़ना होता है। इसके बाद फिर आपने रजिस्ट्रेशन का पैसे भर दिए, आपने बिल्डर को रिमेनिंग पेमेंट भी कर दिया, फिर रजिस्ट्रेशन का डेट लेना पड़ता है किस दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मोस्टली ये सारे काम बिल्डर और बिल्डर का जो एडवोकेट होता है वो कर लेते हैं, आपको इसमें कुछ करना नहीं है। पर आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। पहले आपको क्या करना है, टोकन का चेक देना है, आपको लोन सेंक्शन लेटर लेना है, उसी टाइम पे आपको प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट का जो फाइल होगा वो भी बैंक को दिखा के उनसे वर्बल कमिटमेंट लेना है, या फिर अगर वो प्रोजेक्ट कोई और बैंक के साथ APF किया होता है यानी अप्रूवल लेके रखा होता है, आप उसी बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें उस प्रोजेक्ट के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, सिर्फ आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसके बाद क्या करना है, तो रिमेनिंग पेमेंट जो होगा, जो भी आपका रेशो होगा वो आपको पे करना है। उसके बाद में फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के पैसे भरने, फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है रजिस्ट्रेशन का, वो रिटर्न मिलने अभी के टाइम पे 8-10 दिन लगते हैं, पहले ये 2-3 दिन मिल जाता था, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। बट साधारण हम अगर देखेंगे तो 7-8-10 दिन में ये डॉक्यूमेंट्स हमको रिसीव हो जाते हैं। ओरिजिनल एग्रीमेंट का सेट आपको बैंक में जमा करना होता है अगर आप प्रॉपर्टी होम लोन पर ले रहे हो। जब आप ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होम लोन के लिए बैंक में सबमिट कर देते हो उस वक्त फिर बिल्डर आपको एक डिमांड लेटर भी देता है कि एज़ पर कंस्ट्रक्शन उतना उनका पैसा निकल रहा है, वो पैसा आपको देना है। तो वो जब आप डिमांड लेटर बैंक में सबमिट करते हो फिर बैंक बिल्डर के नाम से या फिर कंपनी के नाम से वो पेमेंट
रिलीज करती है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का स्लैब होगा, उस तरह से धीरे 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 बैंक वो पैसा रिलीज करेगी। फिर जब तक ओसी आएगा, ओसी के बाद फिर आपको पजेशन मिलने का टाइम आएगा, उस टाइम पे आपको बैंक 100% पेमेंट रिलीज कर देती है। लेकिन जब आप पेमेंट बिल्डर को धीरे धीरे रिलीज करना स्टार्ट करते हो, उसी वक्त से आपको PMI लगना स्टार्ट हो जाता था। आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लिए तो आपको PMI पहले से ही स्टार्ट होने वाला है। और जैसे कि पजेशन का टाइम आता, मैंने आपको बताया था कि बिल्डर आपसे एक पजेशन लेटर साइन करवाता है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको भी देता है, वो आपको बैंक में ही सबमिट करना होता है। अगर वो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर मैंने फिर से लिंक दे दिए, वो जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, कोई हेडेक नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है। जो मैंने आपको स्टेप्स बताए वही स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपने मेहनत से पैसा कमाया है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पैसे इन्वेस्ट कीजिए, ध्यान से पैसे इन्वेस्ट कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।